हेलो फ्रेंड, डिवॉप सेंटी चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में देखने वाले हाउ टू इंस्टॉल गिट, गिट कैसे ये इंस्टॉल करने का है ये देखने वाले हैं, और हाउ टू क्रिएट रिपोजिटरी इन गिट लैब में रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करना है यही देखने वाले हैं हम। और उसके बाद हम देख करने वाले ऐड SSH की ऐड करने वाले हैं। इसका मतलब जब हम SSH की ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको पासवर्ड और यूज़र नेम की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि SSH का मतलब यही है कि आपको एक ऑथोराइज्ड दी जाती है कि हम पुश क्लोन कर सकते हैं। क्लोन तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन एक पुश करने का जो आपको पहचान बोलते हैं उसे, वो पहचान मिल जाती है आपको SSH की ऐड करने के बाद। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि एक सैम्पल कोड हम लोकल मशीन से गिट लैब पर पुश करने वाले हैं। चलो फर्स्ट स्टेप हमारी इंस्टॉल गिट है, उसके बाद कॉन्फिगर करना है, उसके बाद रिपोजिटरी क्रिएट करना है और SSH की ऐड करना है और पुश कोड ऑन लोकल मशीन टू गिट लैब। पहले हम टर्मिनल पर जाते हैं। मैंने EC2 Ubuntu 20.04 का एक इंस्टेंस लिया हुआ है और उसमें एक फोल्डर बनाया है कि ये मेरा फोल्डर माय प्रोजेक्ट CD माय प्रोजेक्ट का, ये जो मेरा फोल्डर है ये जावा हेलो डॉट जावा, ये जो मेरा फोल्डर है ये फोल्डर हम, ये जो फाइल है हमारी, ये फाइल हम लोकल मशीन से गिटलैब के रिपोजिटरी में ऐड करने वाले हैं। मेरे जो EC2 इंस्टेंस था मेरा वो बंतु 20.04 का, उस Ubuntu पर ऑलरेडी गिट इंस्टॉल है। कमांड टाइप करो git ऑलरेडी, मेरे यूजर बिन में गिट ऑलरेडी है, इसलिए आपको कोई ये नहीं, आपको फर्स्ट पैकेज ये करने का है, अपडेट करने का है। उसके बाद जब आपका Ubuntu 20.04 का इंस्टेंस होगा तो आपको सिर्फ sudo apt इंस्टॉल गिट, उसके बाद आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखने वाले कॉन्फ़िगर करना है हमको, तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। गिट कॉन्फ़िग -n ग्लोबल यूजर डॉट नेम डबल कोट में आपका जो गिट लैब आपका जो यूजर नेम है यहाँ का, यहाँ क्या है, मेरा डिवॉप्स इंट है यूजर नेम, या गोविंद घोराड़े है, दो ही हम यूज कर सकते हैं। मेरा नाम है, ये यूजर नेम है मेरा गोविंद डिवॉप्स इंट। मैं डाल रहा हूँ DevOps int, एंटर करो। उसके बाद आपको git config global email dot id डबल कोट में आपका ईमेल आईडी, यहाँ मेरा गोविन डॉट DevOps int devopsint@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। इसके बाद हम देखेंगे ये यूजिंग कमांड git config -n list और एंटर, ये ऐड हो गया है। उसके बाद हम
रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। जब गिट लैब में तुम आओगे, आने के बाद आपको ये जो प्लस का दिखेगा यहाँ न्यू, क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड रिपोजिटरी। क्रिएट ब्लैंक रिपोजिटरी, मैं आज ब्लैंक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको नया नाम दो, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपल प्रोजेक्ट नाम दे रहा हूँ। उसके बाद प्राइवेट रख सकते हो या पब्लिक, एज योर विश, और क्लिक ऑन क्रिएट रिपोज, सॉरी क्रिएट प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ आपको मैसेज आ रहा है, एड SSH की, हम तुम क्या उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा, आने के बाद आप इस टर्मिनल में जाओ, आपके लोकल रिपोजिटरी में। टर्मिनल में जाने के बाद आपको कमांड देना है गेट SSH, सॉरी कमांड देना है आपको SSH किजन, और एंटर। आपने इस जो आपके पास है इस पर आपकी ये जो फाइल है वो जनरेट हो जाएगी, फिर एंटर और फिर एंटर। उसके बाद ls-a, यहाँ एक फाइल क्रिएट हो जाएगी .ssh की। गो टू दिस, आपको उस डायरेक्टरी में जाना है .ssh, फिर एंटर। उसके बाद ls, ये जो आपकी ये जो पब है, पब्लिक जो आपकी की है, ये इसे ओपन करना है यूजिंग कमांड cat और कॉपी दिस। ये जो ये कोड है पब्लिक के का, वो कॉपी करो। कॉपी करने के बाद रिपोजिटरी में जाओ, जहाँ यहाँ रिपोजिटरी में आने के बाद आपको SSH की में ये जो महीने पहले कहा था कि यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद आप यहाँ जाएंगे। आने के बाद आपको वो जो पब्लिक की का जो टेक्स्ट है ओपन करने के बाद वो सब यहाँ कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ऐड करो, ऐड करने के बाद आप रिपोजिटरी में जाओ आपके, सैंपल प्रोजेक्ट मेरे रिपोजिटरी है। यहाँ आने के बाद अब हम, मैं अब क्लियर स्क्रीन करूँगा, ओके। यहाँ आने के बाद आपको जो कोड पुश करना है, अब हमारा SSH की ऐड कर दिया है, SSH की जो है थी हमारी वो ऐड की है, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अभी जो हमारा जो कोड है वो कोड हम अभी पुश कर सकते हैं रिपोजिटरी में। यहाँ मेरे प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट है, यूजिंग cd माय प्रोजेक्ट गोज टू माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। हम अभी माय प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आए हैं, मुझे हेलो वर्ल्ड का ये जो कोड है मुझे वो पुश करना है गिट लैब पर। तो कमांड दे दो, पहली कमांड जो है गिट इनिट। गिट इनिट करने के बाद आपके फोल्डर में डॉट गिट की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ls-a के बाद आपको दिखाई देगी, ये देखो
उसके बाद आपको करना है git add and dot and enter. उसके बाद आपको कमिट करना है git commit हाइफन ए फर्स्ट कमिट. आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो. उसके बाद एंटर करो. एंटर करने के बाद आपको मैसेज आ रहा है कि गोविंद डुआ सेंट कमिटर मैं हूँ और कमिट दे दिया हूँ फर्स्ट कमिट. और जो मेरा 5 लाइन का जो कोड था मेरा गिट का हेलो जावा का वो इंसर्ट हो गया है. अब उसके बाद हम स्टेटस भी कर सकते हैं गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लोनिंग क्लोन. उसके बाद हम गिट रिमोट करेंगे. गिट रिमोट एड ओरिजिन. उसके बाद जो आप जिस रिपोजिटरी में करने वाले हैं हम जो अभी क्रिएट किए हैं उसके बाद यहाँ गिट लैब अकाउंट में आ जाओ. आने के बाद क्लिक ऑन को क्लोन एंड क्लिक ऑन SSH. कॉपी दिस SSH एंड यहाँ पर इस डबल कोट में हम कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद एंटर करो. एंटर होने हो गया अभी. उसके बाद गिट पुश कमांड दे दो. गिट पुश हाइपन यू एंड ओरिजिन आपके ब्रांच का जो आपकी ब्रांच है ऑन ब्रांच मास्टर. मैं मास्टर में कर रहा हूँ. गिट पुश हाइपन यू ओरिजिन मास्टर. उसके बाद एंटर करो. उसके बाद यस यस मेरा जो कोड है वो अभी कोड पुश हो गया है गिट लैब पर. हम देखेंगे अभी गिट लैब पर जाने के बाद. यहाँ एक ही था. यहाँ कुछ नहीं था जब क्रिएट किए तो तब एक ही रीडमी डॉट एम डी एक ही फाइल थी. और यहाँ आने के बाद रिप्रेस करो. आप रिप्रेस करने के बाद ये मेरा ब्रांच मेन है. हम मास्टर में जाएंगे. मास्टर में 2 मिनट आगो फर्स्ट कमिट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम या जो मेरी फाइल है हेलो वर्ल्ड की सॉरी हेलो जावा की वो हेलो जावा की फाइल मैंने सक्सेसफुली मेरे मशीन से लोकल मशीन से मेरे गिट रिपोजिटरी में ऐड किया है. ये हीड़ो मैं यहाँ ये करता हूँ अभी. और ये वीडियो कैसे लगा क्या नहीं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना. और जब आने वाले वीडियो में हम गिट का पूरा CI/CD हम देखने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गिट लैब में जो CI/CD है. ये हम सब करने वाले हैं. इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको. ओके चलो बाय और धन्यवाद.